पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने जारी किया और उस पर तमाम आपत्ति भी उठ रही हैं। प्रधानमंत्री तक उस पर आपत्ति उठा रहे हैं और अपनी तमाम रैलियों में उस घोषणा पत्र को एक कोरा कागज़ बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस घोषणा पत्र में कुछ भी जनता के लिए खास नहीं है। ना तो रोज़गार देने से संबंधित कोई विशेष काम है और ना ही जो इसमें वादा किया गया है 72,000 वार्षिक देने के लिए जनता को, उस वो कैसे दिया जाएगा उसके बारे में कुछ बताया गया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किसानों के पूरे कर्ज को माफ़ करने संबंधी वादा करते हुए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। समाजवादी सरकार ने विधानसभा चुनाव 2019 के लिए इस घोषणा पत्र को जारी किया है। शुक्रवार को यानी बीते शुक्रवार को अखिलेश यादव ने पार्टी ऑफिस पर विजन डॉक्यूमेंट नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान उन्होंने जनता से कहा कि आने वाले समय में देश बेहतर होने जा रहा है और अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा कि सामाजिक न्याय में से महापरिवर्तन, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद के अनुसार ये देश जो है तरक्की के नित नए आयाम लिखेगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने उद्यमियों को लाभ पहुंचाया है, इसलिए बिना सामाजिक न्याय के रास्ता नहीं निकल सकता। जीएसटी नोटबंदी से बहुत नुकसान बताया है, बिना प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर किए विकास का रास्ता नहीं खुलने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि रोज़गार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना बेहद आवश्यक है और समाजवादी की सरकार बनी तो हम सबसे पहले बेरोज़गारी को दूर करने का प्रयास करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको, उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम करेंगे। किसानों का जितना भी कर्ज है उसे माफ़ कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र में आहिर रेजिमेंट बनाने पर जोर दिया गया, यानी यादों को इकट्ठा करने के लिए एक वादा किया गया है अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए। और समाजवादी पार्टी भी अपना चैनल खोलेगी। जी हाँ, सभी पार्टियाँ अब अपनी अपनी मीडिया एजेंसीज या मीडिया कंपनीज बनाने में लग गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी अपना एक न्यूज़ चैनल लॉन्च करेगी। अखिलेश यादव ने अपने इस घोषणा पत्र में इन तमाम तरह की योजनाओं और वादों को पब्लिक के सामने रख कर एक नया मोड़ ला दिया है लोकसभा चुनाव में। देखना है कि और जो पार्टियां हैं जिन्होंने अभी अपना घोषणा पत्र लागू नहीं किया है और जनता के समक्ष नहीं रखा है, वो कैसे इन तमाम जो पॉइंट्स हैं इनसे पार पाकर अपने नए घोषणा पत्र को लागू करेंगी।